अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजन ऑयल ग्रेड के नीचे या साइडों में जासो MA2 MA1 ये सब जो ऑयल पे लिखा हुआ होता है ये सब, तो एक आता है MA और एक आता है MA1 MA2 और आखिर में आता है MB। तो ये चारों जो है ये क्या लिखे हुए होते हैं और इसके भी पीछे लिखा हुआ होता है कि जासो उसके बाद MA1 MAB सॉरी MB और M2 ऐसे करके लिखा हुआ होता है, लेकिन जासो लाजमी लिखा हुआ होता है JASO। तो फिर जब मैंने रिसर्च करी तो इसकी फुल फॉर्म निकल के आई जैपनीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन करके निकल के आई कि फुल फॉर्म ये जासो है क्या। अब ये जासो जैपनीज क्या है, जैपनीज क्या करती है, पहले मैंने आपको बताया था API अमेरिकन, अगर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मैं यहाँ लिंक लगा दूंगा। अब यहाँ पर निकल के आया कि जासो, पहले उसके पीछे API था, अब यहाँ पर आ गया जासो। जासो का क्या मतलब है, जैपनीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक फुल फॉर्म निकल के आ गया कि जैपनीज का कुछ है भाई। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का इस ऑयल के अंदर जो रोल है सीधा आपको अगर मैं बताऊं होता है क्लच प्लेट से। हमारी जो क्लच प्लेट्स होती हैं इंजन के अंदर वो जाहिर सी बात है इसी इंजन ऑयल के ऊपर ही रन करती हैं। तो जासो का जो असल काम होता है उस केमिकल एडिटिव क्लच के अंदर हमारा वेट क्लच होता है, जाहिर सी बात है जब तक इसमें इंजन ऑयल चलता है तभी जाके वो इंजन ऑयल चलना लाजमी होता है क्लच प्लेट्स के अंदर। तो बाइक के अंदर वेट क्लच होते हैं जिसकी वजह से उसको लुब्रिकेशन चाहिए होती है और लुब्रिकेशन भी उतनी ही चाहिए होती है जितनी उसकी जरूरत है, ज्यादा ये जब हम लोग बाइक चलाएं तो उसमें आपका हाथ खिंचे भी नहीं, आपको वो मुसीबत भी नहीं हो, ना आपको ज्यादा सख्त हो, ना आपका क्लच ज्यादा हार्ड हो, इसमें भी काफी रोल होता है जो कि ये इसमें ये जासो अपना रोल अदा करता है। जैसे कि API ने रोल अदा किया था अपना रेटिंग देके कि SN लेना है आपको या SP देना है, वैसे ही जासो जो है वो अपना रोल अदा कर रही है एडिटिव के तौर पे कि भाई इसमें ये वाला ऑयल डालना है, ये वाला ऑयल इसमें M1 डालना है, इसमें M2 डालना है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें चार कैटेगरी आती है MA MA1 MA2 और आखिर में MB। तो ये चार कैटेगरी निकल के आती हैं। इनमें ये होता है कि भाई MA वाला जो है वो लोअर होता है। पहले सबसे पहले जो कैटेगरी आई थी काफी टाइम पहले वो MA आई थी, उसके बाद MA1 आई थी, उसके बाद MA2 आई जो कि अभी भी चल रही है, मैं आपको दिखाऊं और मेरे साइड में भी काफी पिक्चर दिख रही होंगी MA2 की। अभी जो मेरे पास इंजन ऑयल है इसमें भी MA2 ही है, वो ये हैवोलिन का है और MA2 ही अभी चल रहा है लास्ट। और अब आते हैं MB पे। MB होता है स्कूटर वगैरह के लिए होता है, जो कि पाकिस्तान में स्कूटर हम लोग चलाते वालाते नहीं है, लेडीज कुछ चलाती हैं और बिकती भी नहीं है, तो MB स्कूटर वगैरह के लिए होता है, ऑटो जो स्कूटर होती है उनके लिए होता है। पहले MA अगर आप लो तो वो लोअर है, फिर उससे ऊपर आना है तो MA1 है, फिर उससे ऊपर आना जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है MA2। तो अभी जो आपको ऑयल लेना होगा वो आपको देख के लेना होगा, जो मैंने आपको जासो MA2 ही लेना होगा जब भी आप लोगे, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है जासो MA2 और मैं काफी पिक्चर चला रहा हूँ तो उसमें भी आपको पता चल रहा होगा जासो MA2 लिखा हुआ है। तो जब भी आपने एक आपको ये भी क्लियर होगा कि भाई ये होता क्या है, काफी लोगों का कंसर्न होता था कि भाई ये होता क्या है MA2, हम लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं ऑयल के बॉक्सेस पे जो कि हम इग्नोर कर रहे थे। जब मैंने रिसर्च करी इसके बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना लाजमी है ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही हो कि भाई हम कौन सा ऑयल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सब तो देख लेते हैं कि ये भाई फुली सिंथेटिक है, मिनरल है, कि भाई चलो 4WD है, 10WD हमारी गाड़ी में डलना है, 10W40 हमारी गाड़ी में डलना, मैकेनिक तो हमें ये बोलता है भाई 10W40 है, सर्दी हो गर्मी हो ये वो अला बला, हम ये सब देखना भूल जाते हैं कि भाई ये किस स्टैंडर्ड पे है, कितने एडिटिव हैं, हमारा क्लच काम करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली इसका मकसद यही निकल के आता है कि भाई क्लच पे इसका काम होता है जो जैपनीज टेक्नोलॉजी वो केमिकल एडिटिव, क्योंकि जो हमारा इंजन ऑयल होता है वही इसको भी वेट करता है क्लच प्लेट्स को, ताकि जो हमारा क्लच की स्मूथनेस है, फ्रिक्शन है, वो कम से कम हो, वो उसके जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़े। तो उसी हिसाब से ये MA MA2 इसको रेटिंग दी जाती है कि भाई ये वाला MA1 इस बाइक के लिए ज़्यादा बेहतर है, MA2 इस बाइक के लिए ज़्यादा बेहतर है, MB उन्होंने स्कूटी वगैरह के लिए कर दिया। तो ये था इसका असल मकसद। तो ये थी आज की वीडियो और काफी टाइम लगा, रिसर्च भी करी, तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी ऑन कर लेना, इससे मेरा मोटिवेशन का जरिया है और मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन जमा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।